स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड इज दैट व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, एक सिंपल डेफिनेशन वो हो जाएगी द एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट, the energy in any object due to its position, उसकी पोजिशन की वजह से जो एनर्जी है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो एक हाइट h हाइट से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उसके नीचे गिरने का रीज़न क्या है? उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी है जो किस में चेंज होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जा रही है। यानी कि उस ऑब्जेक्ट में एक वर्किंग कैपेसिटी है, और वर्किंग कैपेसिटी है यानी कि उसमें कोई ना कोई क्या होती है, एनर्जी होती है। इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट को अगर हम ग्राउंड से अपवर्ड ले जा रहे हैं, नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एक एनर्जी क्रिएट होगी। वो एनर्जी ही क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। या फिर हम एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे कोई जो ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में लाइक एक स्प्रिंग लेते हैं, जैसे एक स्प्रिंग होती है और स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करते हैं, यानी कि उसको प्रेस करते हैं, और कंप्रेस करने के बाद जैसे ही इस पर हमने जो फोर्स लगाया उसको हटा लेते हैं, तो ये स्प्रिंग अपने आप अपनी जो रियल पोजीशन है वापस पहले वाली कंडीशन में वो पहुंच जाती है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, इस ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी पोजीशन में पहुंच रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, ये कुछ वर्क कर रहा है, और इस वर्क में वापस ही मोशन के थ्रू पहुँचेगा। मोशन वाली एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। बट इसमें कोई ना कोई एनर्जी पहले से है जो किस में चेंज हुई है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई है। तो जब किसी ने इसको कंप्रेस किया, फोर्स अप्लाई किया इस पर, तो इसके अंदर क्या आ गई, अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गई। इसी तरीके से जो एक बो होता है और एरो जो होता है, बो और एरो का एग्जांपल लें, तो इसमें एक स्ट्रेचिंग रॉप लाइक सब्सटेंस होता है, तो उसके ऊपर जब हम एरो को पुट करते हैं, और जब एरो पुट कर रखा होता है तब उसको हम पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। पीछे की तरफ स्ट्रेच करने से इस स्ट्रेचिंग स्ट्रिप को जब हम पीछे इस एरो के साथ मूव करते हैं, तब इसमें क्या होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जितना हम पीछे करेंगे उतनी ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। यानी कि हम इसको क्या प्रोवाइड कराते हैं, फोर्स प्रोवाइड कराते हैं, और जिसकी वजह से इसमें क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। और जैसे ही यहाँ से हम इसको रिलीज़ करते हैं, इस पे से जो फोर्स लगा रखा था वो हटा लेते हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन थोड़ा और क्लियर तरीके से देखें, तो जब कोई ऑब्जेक्ट कोई न्यू पोजीशन से वापस अपनी फाइनल पोजीशन में आता है, मतलब इनिशियल पोजीशन में जब वो ऑब्जेक्ट आता है, तब वो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देता है। तो कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से न्यू पोजीशन में जाता है, तब उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यानी कि स्प्रिंग जो थी वो पहले नॉर्मली रखी हुई थी, बट जब किसी ने इसको कंप्रेस किया तो इसकी साइज छोटी हो गई, और तब उसमें जो एनर्जी आई है वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। बाद में जब इसमें से जो फोर्स हटा लिया जाएगा तो खुद से ही अपनी रियल पोजिशन में आएगी, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी है। जो वो है उसको हम पीछे मूव कर कर ले गए, यानी कि पहले वो अपनी पोजीशन में था बट हम उसको पीछे की तरफ मूव करवा रहे हैं, तब उसमें क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। ऐसे ही टॉय कार जो है उसके अंदर एक की होती है, अपने को उसको रोटेट करना होता है, बैकवर्ड हम उसको रोटेट करते हैं, उसमें एक स्प्रिंग होती है, उसकी कॉइल बनती है, मतलब वो पीछे की तरफ कॉइल होना स्टार्ट हो जाती है जब हम उसमें स्प्रिंग करते हैं, यानी कि कॉइल में
चाबी भरते हैं, ऐसा बोलते हैं टॉय कार में। तो स्प्रिंग अपनी पोजीशन में थी, पर जब हम उसको रोटेट करते हैं तब उसमें क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, यानी कि पहले वो रेस्ट पोजीशन में थी, बट जब किसी ने उसको रोटेट किया है, यानी कि पहले वो अपनी पोजीशन में थी, इनिशियल पोजीशन उसका रेस्ट था, और वहाँ से ये रोटेट करवाई जा रही है, तो उसकी न्यू पोजीशन आ जाएगी, और वो पोजीशन पर उसकी जो एनर्जी है वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, अपनी रियल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से जब कोई ऑब्जेक्ट नई पोजीशन में जाता है, तब उसमें जो एनर्जी गेन होती है, ऑब्टेन होती है, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाई एन ऑब्जेक्ट to move from या फिर लिख सकते हैं by moving from initial position to new position। न्यू पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से नई पोजीशन पे जब कोई ऑब्जेक्ट को पहुंचाया जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी आती है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए, इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हम अपवर्ड मूव करवा रहे हैं, जिसका मास है एम मास है, तो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करते हैं तो उस पर एक फोर्स, ग्रेविटी फोर्स भी लगता है, मतलब जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जी लगता है। तो उसमें जो ऑब्जेक्ट को ऊपर हमने एच हाइट तक लेकर इसको ऊपर लेकर गए, तब उसमें जो वर्क होता है वो वर्क क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एफ इंटू एस होता है। यहाँ पर F की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इंटू S लिख लेते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता है, तब मास तो कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ G अप्लाई होगा, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होता है। और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना, इसने कवर किया है हाइट, H हाइट कवर की है, तो W की वैल्यू यानी वर्क की वैल्यू mgh से हम फाइंड आउट करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउन टू अपवर्ड जा रहा है या फिर अप टू डाउनवर्ड आ रहा है, उस कंडीशन में हम एम जी एच वैल्यू फाइंड आउट करके उसका वर्क डन निकालेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट को का पाथ डिपेंड नहीं करता कि हम उसको किस तरीके से अपवर्ड लेकर गए हैं, जन कि ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, इसको हम टेढ़ा मेढ़ा करके कैसे भी करके ऊपर लेके गए, ये डिपेंड नहीं करता हाइट के लिए। हाइट के लिए ग्राउंड से उसकी जो परपेंडिकुलर हाइट होती है, ग्राउंड से जो परपेंडिकुलर इसकी जो हाइट है, हम उसको मेज़र करेंगे, ना कि इसके पाथ को मेज़र करेंगे। ओके, ये चीज़ आप नोट करना, ध्यान रखना। दूसरा, ये तो हो गया कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए जो एनर्जी है वो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट डाउन टू अपवर्ड मूव कर रहा है तो उसके लिए अपने को अगर एनर्जी निकालनी हो, वर्क निकालना हो, तो हम ये वाली वैल्यू अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब एक पेंडुलम की और बात कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इन अ पेंडुलम। तो स्टूडेंट्स, पेंडुलम जो होता है, आपको पता होगा पेंडुलम क्या होता है, कि एक बेस है और उस बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे एक, मान लेते हैं एल लेंथ के स्ट्रिंग से एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है, मेटलिक बॉल होती है, जिसका एम मास मान लीजिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेंडुलम बॉब बोलते हैं, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है और ये जो बॉब है, इसको हम BOB बॉब बोलते हैं, और जो धागा या फिर जो जिस चीज़ से ये बंधा हुआ है उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग बोलेंगे, और जिसकी लंबाई हमने मान ली है एल लेंथ की लंबाई है। तो अगर किसी धागे से, किसी स्ट्रिंग से कोई
बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि मेटलिक बॉल होती है, उसको अगर हम हैंग कर देते हैं तो वो पेंडुलम क्या करता है, वो वन साइड टू अनदर साइड जब हम उसको कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि इसको हम अगर थोड़ा सा फोर्स दे देते हैं तो ये लेफ़्ट टू राइट मूव करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो पेंडुलम का मूवमेंट होता है। अब देखिए, जो पेंडुलम जो है इसकी एक कंडीशन हम मान लेते हैं कि ये ए पोजिशन पर है, यानी कि पहले वो रेस्ट पोजिशन पर है, इस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा। अब ये जो पेंडुलम है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को अगर हम फोर्स अप्लाई करवा कर थोड़ा एक साइड ले जाते हैं, उस पोजीशन को हम नाम दे देते हैं बी पोजीशन। इसको हम बी पोजीशन पर ले आए स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग भी इसके साथ साथ ही आएगी, और मान लीजिए एक्स डिस्टेंस तक हमने इसको लिफ्ट किया है बी साइड में, तो ये जो पोजीशन है जहाँ पर वो रेस्ट पोजीशन में था उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं इसकी। यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को हम दूसरी साइड मूव करके ले गए, तो इस पोजीशन पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से जब ये ऑब्जेक्ट, यहाँ से जब हम फोर्स हटा लेंगे तो ये ऑब्जेक्ट खुद से क्या करेगा, ए वाली पोजीशन पे आएगा, तो यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाईएस्ट हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाना स्टार्ट कर देगी, काइनेटिक एनर्जी में, खुद से ये मोशन करेगी। ऑब्जेक्ट को हम इधर ले गए थे बी पोजीशन पर फोर्स के थ्रू, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाईएस्ट हो गई, यहाँ से हमने उस पर फोर्स हटा लिया तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना स्टार्ट करने लग गई, और इस ए पोजीशन पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट थी। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जो बॉब है, पेंडुलम है, ये खुद से क्या करेगा, दूसरी पोजीशन यानी कि सी पोजीशन पे ये खुद से मूव करेगा, यानी दूसरी साइड ये मूव करेगा। और इस कंडीशन से, इस पोजीशन पे आने के बाद, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसकी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, सी पर आते आते कम होने लग जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, और यहाँ पर आने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये जो बॉब है ये वापस कहाँ आने लग जाएगा, अपनी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पर आना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, इससे बेस्ट फॉर्मूला हो जाएगा कि जो पेंडुलम है, मान लीजिए कि ये ए पोजीशन पर है और इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स डिस्टेंस इसने हमने इसमें कवर करवाया इसको बी पोजीशन पर, तो इसमें जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं। के जो है यहाँ पर, के की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो है एम जी अपॉन एल। एम क्या है, इस पेंडुलम का मास, एम इक्वल्स टू मास ऑफ द पेंडुलम, और जो बॉब है उसका मास। जी क्या है यहाँ, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, ग्रेविटी। और एल क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको हम बोलेंगे एल। तो इसको हम शॉर्ट में डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग को अगर मूव करवाते हैं और यहाँ स्प्रिंग के थ्रू जब मूवमेंट होता है, किसी स्प्रिंग के थ्रू जो मूवमेंट करवाया जाता है तो उसमें कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू अगर अपने को पता हो और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो अगर अपने को मालूम हो, एक्स क्या होता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, तो जितना डिस्प्लेसमेंट ये कवर करती है स्प्रिंग, और के यहाँ पर क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, के स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर ये दो वैल्यू अपने को मालूम होगी तो हम स्प्रिंग के थ्रू वर्क डन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इस तरीके से वर्क के हमें कई सारे फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि W का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी के लिए, एक तो MGH अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे मूव कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर लेकर
जाया जाए, तब उसमें जो एनर्जी है वो W इक्वल्स टू एम जी एच से फाइंड करेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट अगर गिवन हो तो W इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट की हेल्प से हम W इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर यूज़ करेंगे। पेंडुलम अगर वर्क कर रहा है तो उसमें W इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, और जहाँ पर K की वैल्यू एम जी अपॉन एल होती है, एम मास ऑफ द पेंडुलम, जी ग्रेविटी और एल इसमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है, और एक्सिस में क्या है डिस्प्लेसमेंट, जो अपनी इक्विलिब्रियम से इसकी दूसरी जो पोजीशन पे इसको लेकर गए तो उसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया वही इसमें एक्स की वैल्यू होती है। ओके स्टूडेंट्स।